जितने लोग आप बैठे हैं सोच के बताइए, बिहार में सबके बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अभी आपने कहा कि सबके बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था होनी चाहिए, हमने नहीं कहा है, हमने सवाल पूछा, आपने कहा कि सबके बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था होनी चाहिए। तो अब अपने अपने बच्चों को याद कर लीजिए, आपने जिंदगी में कभी अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट दिया है? कोई दिया है तो बताइए भैया। यही आपके दुर्दशा का कारण है, आपको नेता का क्या जरूरत है? अभी आपने स्वयं से बताया, आपको ये मालूम है कि अगर आपके बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो आपका, आपके बच्चों का भला हो सकता है, लेकिन आप पढ़ाई के लिए वोट नहीं देते हैं। तो जो ताला खोलना है उसका चाबी लगाइएगा नहीं तो ताला खुलेगा कैसे? आप में से कुछ लोग है जो खड़ा होकर कहेगा कि पढ़ने के लिए भैया वोट दे देंगे तब भी नेता काम नहीं करेगा, ये आपकी भूल है। आप इस चक्कर में पड़े हैं कि वोट किसको दें उसका लोकतंत्र में कोई महत्व नहीं है। लोकतंत्र में महत्व इसका है कि आप किस बात के लिए वोट दे रहे हैं। आपने वोट चाहे नीतीश को दिया कि मोदी को, ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जिस बात के लिए आपने वोट दिया है वो काम बिहार में हो रहा है। हम लोगों ने वोट दिया है भाजपा को 5 किलो अनाज के लिए, तो बिहार में कितना भी चोरी है, भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके घर घर 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने हमने वोट दिया राम मंदिर बनाने के लिए, तो भैया बिहार में नाली गली सड़क स्कूल फैक्ट्री लगे चाहे नहीं, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? आपने हमने वोट दिया नीतीश कुमार को घर घर बिजली आने के लिए, तो बिजली का बिल चाहे 6,000 आए कि 8,000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने हमने वोट दिया है जात के नाम पर, तो बिहार में और कुछ हो चाहे नहीं, घर घर जात का चर्चा और जात का गिनती हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आपने हमने वोट दिया है सिलेंडर के लिए मोदी जी को, तो सिलेंडर का दाम 1,250 हो कि 1,500, घर घर सिलेंडर आया है कि नहीं आया है? आपने हमने वोट दिया है मोदी जी का चेहरा देख के, तो आपके बच्चों का चेहरा चाहे फूला है या मुरझाया है, मोदी जी का चमकता हुआ चेहरा रोज टीवी पर देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने हमने वोट दिया है गुजरात में विकास का कहानी सुन के, तो गुजरात में विकास हो रहा है, बुलेट ट्रेन चल रही है, फैक्ट्री लग रहा है, और आपके बच्चे जाकर गुजरात में मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो आपने किस चीज पर वोट दिया है जो आपको नहीं मिल रहा? आपने वोट नहीं दिया है अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए, आपने वोट नहीं दिया अपने बच्चों के रोजगार के लिए, आपने वोट नहीं दिया अपने फसल के दाम के लिए, तो वो चीज होगा कैसे? आपसे हाथ जोड़कर इतना ही बता रहे हैं कि मेरे भाई, अगर आप अपने बच्चों की चिंता नहीं कीजिएगा तो दुनिया में कोई नेता कोई दल आपके बच्चों की चिंता नहीं करेगा।